हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारी घर में आटा वगैरह आता है, उसकी पॉलिथीन निकलती है ना, तो उसको हम कैसे जो है एज अ ग्रो बैग जो है यूज़ कर सके। ग्रो बैग खरीदे, बहुत महंगा नहीं आता, आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन अगर जिनको ये शौक़ है कुछ क्रिएटिव करने का कि मेरे पैसे भी ना खर्च हो, मुझे मेरा शौक भी पूरा हो जाए गार्डन का, तो आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर ग्रो बैग नहीं है, आप नहीं ला सकते हैं या नहीं लेने जा सकते, या मन भी नहीं आपका, कोई बात नहीं, आप आटे का पैकेट लीजिए, उसको कट कीजिए और उसको फोल्ड कीजिए और एज अ ग्रो बैग ये रेडी हो जाएगा आपका, ठीक है। और इस ग्रो बैग में आप जो है थोड़े से, मैंने ये देखिए सूखे जो मेरे पास स्टिक्स पड़ी थी वो डाली है, नीचे भी जो है मिट्टी डाली है, और उसके बाद फिर हम इस पे जो है एक मिट्टी की लेयर डाल देंगे और ये हमारा तैयार हो गया ग्रो बैग फ्री का, है ना। कोई भी बड़ी सी पॉलिथीन हो आपके पास किसी भी चीज़ की, आप उसका यूज़ कर सकते हैं ग्रो बैग के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो है, मैं आपके लिए बता रही हूँ। और इसमें आप कोई भी सब्जी डाल दीजिए सीजनली, क्योंकि आपको गमले, जैसे सीजन में सब्जी होती है उसके बाद उसको हमें गमले को हटाना पड़ता है, तो इससे अच्छा है आप पॉलिथीन वगैरह या आपके पास ग्रो बैग है तो बेस्ट है, फिर आप उसी में लगाइए और सब्जी का जब सीजन ख़त्म हो जाए उसे फाड़ के फेंकिए, काम ख़त्म। तो मैंने सोचा कि आपके साथ दिखाती हूँ, मेरे पास हरी मटर है, ये देखिए आप दिख रहा है ना। और ये पता है मैं शीट भी लाने नहीं गई हूँ, मेरे एक भी पैसे नहीं खर्च हुए, ना ही मैं कोई जो है मटर के शीट के पैकेट लाने गई हूँ। ये जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं मटर ना, उसी को मैंने पॉलिथीन में बांध कर रख दिया और उसमें अंकुरण निकल आया। और इसके पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो आपको शेयर की है कि मैंने कैसे इससे प्लांट बनाया था। जब मेरे ये एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेस हो गया तो मैंने ये जो है बड़ा पैकेट में सोचा कि बड़े पैकेट में मैं इसको लगाऊँ, जिससे मुझे थोड़ी सी मटर की फलियां भी मिलें, है ना। तो वो तो मेरा छोटा सा एक गमले में मैंने डाल दिया था किसी प्लांट के बीच में, और ये लेकिन मैं सेपरेट इस बैग में लगाऊंगी, पॉली बैग में। नीचे मिट्टी है, बीच में जो सूखी पत्तियां होती है गार्डन की स्टिक्स वो हैं इसमें, और ऊपर से एक लेयर मैंने मिट्टी और डाल दी है। उसके बाद हम जो है वो खाद बन जाएगी बीच में दब के, और उसके बाद हम इस जो शीट को जो घर में है जो हम कहीं से लाने नहीं गए हैं, तो इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे, बहुत हल्के हाथों से, बहुत दबाना नहीं है। और उसके बाद इसमें आपको दिखेगा कि नन्हे नन्हे बेबी प्लांट्स जो है रेडी हो गए हैं, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये फेक वीडियो है, बस मैं ऐसे डाल रही हूँ, आपको दिखाऊंगी कि इससे प्लांट कैसे बनते हैं स्टेप टू स्टेप, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बनाऊंगी, बिना स्किप करे हुए आप इस वीडियो में बने रहिए। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पूरी अच्छी लगे आपको तो लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और आप भी ट्राई कीजिए। मतलब आपका एक पैसा नहीं खर्च होना है, समझ रहे हैं ना, कि आप बैग आपका कोई भी पॉलिथीन, अक्सर आप घर में जो है सामान वगैरह लाते रहते हैं, बैग निकलता रहता है, आप फेंक दे तो डस्टबिन में मत फेंको, मिट्टी डाल के उसमें से कुछ भी, आपके घर में शीट भी नहीं लेने जाना है, घर में ही मटर है उसमें पॉलिथीन में डाला, अंकुरित हो गई, उसको डाल दिया, हो गया शीट, उसका प्लांट तैयार हुआ, और उसको देखते हुए बढ़ते हुए जो खुशी होती वो तो खैर बता ही नहीं सकते हम आपको, और आप जब खुद करेंगे तो खुद ही इस चीज़ को फील करेंगे। तो ये है, हमने देखी इसमें तीन शीट डाले हैं, और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी ऊपर और डाल देंगे, इसलिए ऊपर डालेंगे कि ये अच्छे से जर्मिनेट हो सके, है ना, हल्का सा एकदम, अगर खाली छोड़ देंगे तो हो सकता है सूख जाए ये मटर का दाना, और हो सकता है कोई चिड़िया वगैरह खा ले, तो आप इसको थोड़ा सा मिट्टी हल्के हाथों वाली जो होती है ना वो आप डाल दीजिए, थोड़ी सी और डाल दीजिए बस। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी, ये देखिए पानी डाला। और हाँ, इस पॉली बैग में आप छेद करना मत भूलिएगा, होल कर दीजिएगा, ड्रेनेज होल, क्योंकि पॉलिथीन है ना, पानी रुक जाएगा तो चीज़ें सड़ जाएंगी, जो हमारे मटर के दाने हमने डाले हैं ना वो सड़ जाएंगे। तो उसमें जर्मिनेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, आपने देखा ही है उसमें अंकुरण हो चुका है, लेकिन वो अच्छे से बढ़ सके, उसमें नया पौधा हमारा बेबी प्लांट तैयार हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि मिट्टी सूखी हो, मतलब नमी भी बनी रहे और मिट्टी सूखी भी रहे, तो उसमें हमें ड्रेनेज बनाना ज़रूरी है। जैसे गमले में ड्रेनेज नीचे होता है, तो पॉलिथीन में आप साइड साइड में किसी कैंची या किसी चक्कू की मदद से या ऐसे जैसे इसमें ऐसे मारेंगे तो आप ऑलरेडी ड्रेनेज बन जाएगा, दो चार बहुत ज़्यादा सफिशियंट है इसके लिए। और हाँ, जब ये मटर के प्लांट्स तैयार होंगे ना, बड़े होंगे, इसमें फलियाँ निकलेंगी, मैं फिर एक अपडेट दूंगी आपको और एक फिर वीडियो बनाऊंगी आपको, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। मैं चलती हूँ कि इसमें बेबी प्लांट मैंने कैसे तैयार किया, मैं ये भी आपको इस वीडियो में ही शो कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग सोचेंगे कि बस डाल दिया, पता नहीं पौधा निकला भी कि नहीं निकला, तो इस
आपको मैं प्रूफ करने के लिए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ दूसरे गमले में, जो मैंने थोड़े दिन पहले 10-15 दिन पहले डाले थे शीट को, और उसमें बेबी प्लांट्स निकल आए हैं रियल में, है ना। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को। और ये देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ कि नमी बनी रहे। उसके बाद आपको कम से कम एक हफ्ते तक आपको पानी इसमें नहीं डालना है। कारण ये है कि अभी तो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें नमी है, ठंड का मौसम है, पता है ठंड में ही होती है मटर, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, तो मत डालिएगा पानी, एक हफ्ते के लिए रुक जाइए। उसका जब दिखे आपको सूख जाए पानी, अगर आपने छत पर रखा है तो हवा चलेगी, सूखेगा ही ना, तो आप फिर से डाल दीजिएगा। तो वो आप जब थोड़ा बहुत करेंगे ना तब आपको आइडिया लगेगा। बहुत मैं बताऊँगी, आप अगर करेंगे नहीं तो उसमें नहीं होता कुछ, आप करके देखेंगे आपको अनुभव होगा। अनुभव से बहुत से लोग सीखते हैं, बताने से नहीं सीखा जाता है। तो आप खुद अनुभव कीजिएगा इस चीज़ को और उससे सीखेंगे। तो अभी मैं इसको छोड़ दे रही हूँ, इसमें जो होगा जो भी प्लांट निकलेगा और जो आगे चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाऊंगी, अपडेट देती रहूँगी शॉर्ट के थ्रू। अभी तो मैंने ये लॉन्ग वीडियो बनाई है, और लॉन्ग वीडियो बनाने का मकसद बस ये होता है कि चीज़ें बहुत शॉर्ट में बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो बना दे रही हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं छोड़ के चलते हैं आगे की ओर। अब ये देखिए, ये बेबी प्लांट है ना, आपको दिखा, ये उसी मटर के दाने से है, उसी हरे मटर के दाने से मैंने आपको दिखाया था। और ये देखिए उसका थोड़ा सा बड़ा रूप है ना, जिसमें पत्तियाँ भी निकल आई हैं। और अब जब उस पॉलिथीन में बड़ा हो जाएगा पौधा, इससे भी बड़ा हो जाएगा, उसमें जो है फलियाँ या फूल जब आएंगे ना, जैसे आपने देखा स्प्राउटिंग देखी, फिर ये बेबी प्लांट छोटा सा देखा, थर्ड स्टेप आपने देखा इसमें पत्तियाँ भी निकल आई हैं साइड साइड में 5-6, है ना। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जब इसकी लंबाई बढ़ेगी और इसमें जो है फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी, तब मैं आपके साथ नया वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए वेट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए शॉर्ट्स, किसी नए वीडियो और किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।